नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय झाड़ूल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतिवर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल के अध्याय राजस्थान का एकीकरण का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम जो राजस्थान का स्वरूप देखते हैं, आजादी से पहले वो ऐसा नहीं था। आजादी से पहले राजस्थान 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। ये रियासतें आपस में लड़ती रहती थी और इनमें कोई एका नहीं था। 3 जो ठिकाने थे हमारे, वो पहला ठिकाना अलवर का नीमराणा, दूसरा टोंक का लावा और तीसरा बांसवाड़ा का कुशलगढ़ था और 1 केंद्र शासित प्रदेश हमारा अजमेर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है। राजस्थान का ये जो एकीकरण हुआ वो एकदम से नहीं हुआ, इसमें लगभग 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था और 7 चरणों में ये कार्य पूरा हुआ था। एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। राजस्थान के एकीकरण के इन सभी इतिहास को हम एक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का पहला चरण शुरू होता है 18 मार्च 1948 से। इस समय राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ए, बी, सी और डी आपस में संयुक्त हो गई और इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया था और उस समय शोभाराम कुमावत जी को इसका प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था। दूसरा चरण बहुत जल्दी ही शुरू हो गया 25 मार्च 1948 को। इस समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें आपस में संगठित हो गई और इनमें बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक ये सभी आपस में संयुक्त हुई और इसे नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान और गोकुललाल असावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरा चरण भी शीघ्र ही हो गया 18 अप्रैल 1948 को। इस समय मेवाड़ रियासत पूर्वी राजस्थान में विलय की गई और पूर्वी राजस्थान का नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान बना दिया गया और माणिकलाल वर्मा उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1948 में राजस्थान के 3 चरण पूरे हुए थे। अगला एक साल के बाद लगभग 30 मार्च 1949 को चौथा चरण आया। इस समय पश्चिमी राजस्थान की 3 बड़ी बड़ी रियासतें और जयपुर रियासत आपस में संयुक्त हुई थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ट्रिपल जे बी ये चारों संयुक्त होकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया था। ये कार्य हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था। अगला चरण 15 मई 1949 को आया, पांचवा चरण। इसमें मत्स्य संघ और बृहद राजस्थान मिलकर संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण किया था। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को आया। इस समय राजस्थान की मात्र 1 रियासत सिरोही, इसमें भी आबू को छोड़ के इस संयुक्त बृहद राजस्थान में शामिल हुई और इसका नाम अब राजस्थान संघ कर दिया गया। हीरालाल शास्त्री ही उस समय मुख्यमंत्री थे। अंतिम जो चरण था, सातवां चरण, ये लगभग 6 साल के बाद हुआ। इस समय सिरोही की माउंट आबू तहसील, अजमेर को राजस्थान संघ में मिला लिया गया और जो सिंजोर का क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया और इस प्रकार से नवगठित राजस्थान का निर्माण हुआ और मोहनलाल सुखाड़िया इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान राजस्थान लगभग 8 साल की वल्लभ भाई पटेल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्रथम 3 चरण तो बहुत जल्दी जल्दी ही हो गए, चौथे और पांचवें चरण में भी अधिक समय नहीं लगा, सर्वाधिक समय लगा हमारा सातवें चरण में। लगभग 6 साल के बाद इस नवगठित राजस्थान का निर्माण हुआ। अब ये थोड़ा सा हम नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
ये हमारा राजस्थान का नक्शा, इसमें हमने राजस्थान के एकीकरण के सातों चरणों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ये है हमारा मत्स्य संघ का पहला चरण। दूसरे चरण में ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नौ रियासतें हैं। तीसरे चरण में उदयपुर इनके साथ मिला लिया गया। चौथे चरण में पश्चिमी राजस्थान की तीन रियासतें और जयपुर आपस में मिली। पांचवें चरण में पूर्वी राजस्थान या संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान आपस में मिल लिए। छठे चरण में मात्र सिरोही इनमें शामिल हुआ और अंतिम सातवें चरण में अजमेर और सिरोही की आबू तहसील को इस एकीकरण में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये हमारा नवगठित वर्तमान पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ। थैंक यू। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हो तो इनबॉक्स में आप टाइप करके मुझे भेज दीजिए। मैं प्रयास करूंगी कि आपकी सभी इच्छाओं जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। धन्यवाद।